चना सूप 30 रुपये, टमाटो सूप 30 रुपये, मिक्स वेज सूप 40 रुपये और मशरूम सूप 40 रुपये। मिल गए हम शाम को भी वापस आ गए। तो भाई साहब, सुबह का जो नाश्ता जो हमारा था ना, वो तो बहुत ही बढ़िया करवाया था हमारे चूड़राम हलवाई जी ने। बहुत ही बढ़िया नाश्ता हुआ था। और अगर किसी ने तो वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके उस वीडियो को देख लो। और बाकी अब बात करूँ शाम की, तो शाम को इनके यहाँ पे काफ़ी मशहूर है इनका सूप। क्योंकि यार अगर मैं बात करूँ ना कि इवनिंग स्नैक्स की, और सर्दियों का मौसम, और इस वक्त यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, और सर्दियों का मौसम में सूप से अच्छा रेमेडी गर्मी देने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि सूप एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर जाएगी और ना तरतल्ली सी मचा जाएगी। तो भैया जी फटाफट एक सूप लगा दीजिए। कौन सा पीना पसंद करोगे, चना सूप, टमाटो सूप, मिक्स वेज या मशरूम सूप? भाई मैं तो पीऊंगा मिक्स वेज। भैया मिक्स वेज लगा देना, एक मिक्स वेज लगा देना, ठीक है? तो भाई जब तक हमारा ये सूप आ रहा है तब तक क्या करते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलो आ जाइए, लेट्स गो। हमने मंगाया था मिक्स सूप, थोड़ा जी बात सबसे पहले बात की खुशबू की, खुशबू ही अमेजिंग है। क्योंकि हर एक चीज को जब आप खाने लगते हो ना, तो खाने की जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू ही आपको बता देती है कि उसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा है। तो अभी तक तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी सारे कंक्लूजन आफ्टर टेस्ट। एक चीज़ मैंने नोट की है, जो मैंने बाकी सूप पिए हैं ना, उसमें क्या होता है, वो टोमेटो सूप और चना सूप को मिक्स करके वो मिक्स बना देते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये वेजिटेबल्स का सूप इन्होंने मिक्स सूप बनाया हुआ। इसमें कॉर्न भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं, मटर भी है, बीज भी हैं और गाजर भी है, मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने डाला हुआ बीच में। तो ये वो देसी वाला काम नहीं है, एक अच्छे वाला ब्रांड वाला काम किया हुआ। बाकी यार हमारी जो ठंड है ना, वो सूप ने तो मिटा दी हुई है। बाकी इनके पास जो इनका काफ़ी और मशहूर है, ये कढ़ाई वाला दूध देते हैं। कढ़ाई वाला दूध आपको मोस्टली कहाँ मिलता है, ये आपको वृंदावन मिलेगा, मथुरा मिलेगा, ठीक है ना? इनका कढ़ाई वाला दूध भी काफ़ी फेमस है। और ये कढ़ाई वाला, तो मैं सूप पी रहा हूँ, तो अगर दूध पीऊँगा और सूप का कॉम्बिनेशन कोई बनता नहीं है तो ये मैं पीता हूँ, बाकी मेरा ब्रदर है वो कढ़ाई वाला दूध आपको टेस्ट करके ज़रूर बता देगा। वो देखो पीछे क्या कर रहा है, वो कह रहा है क्यों सुधर करेगा नहीं, कर लेंगे। हाँ देखा, कर लेंगे। खाने पीने के मामले में तो कोई मतलब कोई रोको टोको ना हमको। भाई साहब सीधी सी बात करूँ, मेरा सूप तो डन हो चुका है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और सूप के साथ दूध का तो मेरे को कॉम्बिनेशन लगता नहीं। बाकी ये जो है हमारा ना, ये हमारा छोटा फूडी है, तो ये टेस्ट करेगा आज आपका दूध और बताएगा। भैया मेरे को तो थोड़ा सा ना गाजर पाक दे दो, मैं गाजर पाक टेस्ट करूंगा तो दूध टेस्ट करेगा। भैया लगा दो फिर एक गिलास। भाई ये दूध जो है ना, ये मैंने लास्ट पिया था मथुरा में, और इनका जो बनाने का वो तरीका होता है ना, ऐसे 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 वाला देखा ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले सिनेमैटिक्स में आया होगा ना। अरे सिनेमैटिक्स देख लेते हो, कम से कम वीडियो को लाइक भी करना शुरू कर दिया करो। बस सिनेमैटिक्स देखना अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक नहीं। जब तक दूध बन रहा है इसको फटाफट नीचे से लाइक कर दो, और जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उसको भी सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दो, फिर दूध पी के बताऊंगा, तो मैंने बता रहा। ये चीज बेस्ट होती है।
भाई हमारा जो है ना सुजल मैं ना दे रहा मैं दूध पीऊंगा पैसे नहीं ले रहे हो दूध फिर मैं क्या करूं आओ आओ आप कोई मैं तो दूध और गाजर का कॉम्बिनेशन बन जाता है हां हां ये ठंड लग रही है ठंड तो बहुत है गरम गरम दूध है देख के मन पिघल गया मन पिघल गया और क्या कहां कहां गया पिघल के दूध में घुला ना भी दोबारा पिघल नहीं मत ये चीज ऑसम है यार आपका सूप नहीं कुछ करेगा भाई रहने दो तो सूप नहीं कुछ करेगा यार मेरा दूध सबसे ज्यादा टेस्टी था मेरा दूध टेस्टी है मैंने सूप टेस्टी नहीं किया आपने दूध टेस्ट नहीं किया मैंने सूप टेस्ट नहीं किया तुम कैसे कह सकते हो सूप टेस्टी नहीं है भाई भाई ना आपने दूध टेस्ट नहीं किया दूध टेस्ट करोगे आप दूध भूल जाओगे ऐसे कैसे तुम सूप टेस्ट करोगे दूध भूल जाओगे मैं भी कह सकता हूँ दोबारा कह सकता हूँ अरे भाई सीधी सी बात है आप यहाँ पर आओ यहाँ पर आकर सूप भी टेस्ट करो और यहाँ पर आकर दूध भी टेस्ट करो दोनों फिर बताना कमेंटों में बताना जरूर भी दोनों में से ज्यादा टेस्टी क्या है दूध को वोट कर रहा हूँ मैं पहले अरे मैं कह रहा हूँ सूप को वोट करना छोड़ो यार इनको अरे ये तो पागल है ये मलाई वाला टेस्ट देख लो किसको चूज करोगे अरे सर्दी का मौसम है दूध सूप देखो सूप इतना अरे सूप दूध जो आपके अंदर जाएगा तब पता लगेगा आप लोगों को दूध छोड़ दो इसको चल चुप हो जाओ चल यार एंड में कंक्लूजन तो ये निकलता है मेरे को अच्छा मेरा अच्छा लगा देखो मेरा अच्छा लगा यस बात खत्म चलो डन लड़ाई लड़ाई माफ करो क्या माता की बोलू तो सीधी बात है भाई दिन में यहाँ पे मिलती है आपको पूड़ियाँ ब्रेकफास्ट में और इवनिंग में आपको क्या मिलेगा ये सारी चीजें तो भाई वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि दो वीडियोस बन चुके हैं और वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और मेरे को पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा तो नीचे आके फटाफट सब्सक्राइब करो बटन को जल्दी 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 करो खत्म कर लो खेती की हो गया भाई आराम से पीने दे यार भाई यहाँ से जब अंदर जाता है ना गरम गरम भाई हेवन हेवन स्वर्ग तो यही है और कहीं नहीं है